करें। चलो फोटो भी क्लियर हो गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? रेज योर हैंड प्लीज। दो तीन बच्चे गवाही दे दें कि आवाज आ रही है। समरा को आवाज आ रही है और मुनीब को भी आवाज आ रही है और गुल मोहम्मद को भी आवाज आ रही है। चलो सामा ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोअर योर हैंड्स लोअर योर हैंड्स। आज हम आगे न्यूमेरिकल मजीद करते हैं जी। पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल निकालें जी। सन ग्लो चलें जी। आज ये क्वेश्चन करते हैं, पिछले सारे हमारे सवाल हो गए हैं जी। सन ग्लो पाक्सा लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स। ये देखें कंपनी का सवाल आपको आ गया है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस। परेशान मत होइएगा बेटा, चाहे कंपनी हो चाहे ओपी हो, सेल टैक्स में आपका सारे ट्रीटमेंट एक जैसे होने हैं। आर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ सन ग्लोब पाक्सा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जून का सवाल हमने करना है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। आपकी सेल है, आपकी ये सेल आ गई। रिसीड फ्रॉम सेल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड बेचा है, ये भी आपकी सेल आ गई। सेल ऑफ एक्सेसरीज एंड लेंसेज फॉर द मल्टीमीडिया टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये एक और सेल है और रजिस्टर्ड को है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड लेंसेज, ये आपकी इनपुट टैक्स के लिए आ गया। यहां तक आपका आउटपुट टैक्स आया और यहां से आपका इनपुट टैक्स खत्म शुरू हो गया। परचेज ऑफ स्टोर सप्लाईज एंड रॉ मटीरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्टर्स, यानी कि हमने जो परचेज की है, ये वाली जो परचेज है, आउट ऑफ द टोटल पेमेंट्स ऑफ रुपीज इन्ने इतने 212,521,5, यानी कि टोटल पेमेंट्स हमने ये की हैं एंड पेमेंट। अच्छा ये एक और परचेज है, ये परचेज अलहदा है, ये परचेज अलहदा है, ये स्टोर्स की परचेज है, उसकी टोटल पेमेंट्स इतनी है, कहता 215,215। आउट ऑफ दीज पेमेंट्स 225,215 वाज पेड इन कैश। यहां पे सेक्शन 73 की कंप्लायंस है बेटा, आपको क्रॉस चेक पेमेंट करनी थी। इसका मतलब है आपको इनपुट कितने का लाओ होगा, आपने परचेज तो की है 215,215, तो आपको लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, जितनी हमने कैश पे की 225,215, 225,215, इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। बाकी का बच्चा देखिएगा भसा। नाइनटीन लाख देखें कितने बच्चे, 19 लाख। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि इतने के ऊपर आपको इनपुट मिलेगा, जो यहाँ पे क्लेम इतना है लेकिन आपको इनपुट इतने का मिलेगा क्योंकि सेक्शन 73 की कंप्लायंस नहीं हो सकी। सप्लाईज परचेज्ड इन जैन 2020, हमने जैन 2020 में कुछ खरीदा था। रिटर्न टू द वेंडर फॉर नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन एंड दी, ये आपकी परचेज रिटर्न है, ये आपकी परचेज रिटर्न आ गई। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, आपका इनपुट टैक्स मजीद लेस हो गया। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सोल्ड इन जैन 2020 रिटर्न टू द कस्टमर बाय द डिफेक्टिव वर्कशॉप इन फेब 2020। ये जैन है तो 6 माह के अंदर क्लेम हो सकता है, ये जून है ठीक है हो सकता है, और ये भी फेब है इसका भी क्लेम हो सकता है। ये बेटा आपकी से रिटर्न आ गई। नीचे आइए, ऑल द All figures relating to the sale tax are stated exclusive sale tax. Here, all payments are stated inclusive of sale tax. इसका मतलब है सिर्फ पेमेंट्स के ऊपर जो है वो इंक्लूसिव सेल टैक्स है,
जो पेमेंट्स होंगी वो सारे की सारी 17/117 होंगी बेटा। ऑल पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन मेड बाय क्रॉस चेक, बाकी कहता सारा कुछ क्रॉस चेक है। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न द डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट नोट हैव बीन इशूड इन कंफर्मेटरी विद द सेल टैक्स एक्ट, के कहता ये जो हमने सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न किया वहां पे डेबिट और क्रेडिट नोट प्रॉपरली इशू किए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, इसको क्विकली डायरेक्ट जाके सोल्यूशन देख लेते हैं कि सोल्यूशन में कोई गलती तो नहीं है। लेट्स सी, मेरे आ जाए जी सोल्यूशन पे आ जाए जी। साथ इब्राहिम किसको ले लें, इब्राहिम को ले लें साथ, इब्राहिम इब्राहिम को करें। हाँ जी जी इब्राहिम जी सर जी इन लाइन हो, ठीक है आपके पास क्वेश्चन सामने होगा, ठीक है जी सर। अब आंसर पे आ जाओ, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं ये। एक्चुअली कुछ कुछ किताब में कुछ कुछ जगह गलतियां हैं, तो इसलिए मैं, जैसे कल हमने सवाल देखा, कल हमारा क्वेश्चन गलत था जो सोल्यूशन में था ये। और पहले आउटपुट टेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने, इतनी इतनी सेल है, देख लो, देखो बेट करो 7375950 × 17% ये आपका सेल टैक्स पेबल आ गया। सेल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अभी 17% लगेगा आपको पता है, 3% हमने आखिर में जाकर करना है। ऑन सेल ऑफ एक्सेसरीज एंड लेंसेज फॉर द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, दिस वन 17% आपका जो है वो ये भी आपका सेल है, वो भी आपकी 17% आ गया। ये आपकी सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न हमने लेस कर दी, तो ये मेरा नेट आउटपुट टैक्स आ गया। यहां तक किसी का क्वेश्चन तो बोलो बेटा, एनी क्वेश्चन अप टू हेयर, एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? नहीं है। अच्छा जी, ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड लेंसेज, ये आपकी परचेज यही है 6987 जी सर, जिसका चूंकि वो इंक्लूसिव है तो इसलिए 17/117 कर दिया हमने, ये आ गई। परचेज ऑफ स्टोर सप्लाईज एंड रॉ मटेरियल यूज इन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, वो देखिए वही काम किया हुआ है जो मैंने किया है 19 और 19 का, फिर 17/117 ये आ गया जी। आगे आपका मशीनरी है, इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, वो इंपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी थी जी सर। अच्छा जी सर, है इंपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी थ्री। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा प्लीज, और परचेज बहरहाल हम, मैं इसको, मैं आपको, मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, मैं बात करता हूँ, यहाँ आपको बात एक एक्सप्लेन करने वाली है, आंसर मेरे हिसाब से यही आएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। ये परचेज रिटर्न आ गई, और परचेज रिटर्न का भी 17/117 कर दिया हमने, और ये मेरी परचेज रिटर्न आ गई। नीचे आइएगा जी, और फिर हमने फर्दर टैक्स ऐड कर दिया, और सेल्स टैक्स पेबल फॉर द मंथ आ गया जी। अब यहाँ पे कहीं 8B1 का जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है? वो कहता है द लिमिटेशन नाइंटी हैज नॉट बीन यूज्ड एज इनपुट टैक्स विदाउट द इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट इज ऑलरेडी लेस देन 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। क्या बात, क्या समझ आया आपको, किसी को क्या समझ आया जी इस बात से? ये बेटा जरा दो मिनट इस सवाल के सोल्यूशन से, सोल्यूशन ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज आपको समझानी है, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले मुझे साथ ना
इब्राहिम सॉल्यूशन आपके सामने है ना इब्राहिम? जी सर, जी सर। अच्छा जो मैं पूछता जाऊंगा मुझे वो बताते जाना, ठीक है? जी सर। क्लियर? लो प्लेन पेज पे आओ। जी सर। मेरा टोटल आउटपुट है कितना है बोलो मुनीब? बस एक मैं आपको बेटा समझा दूं, मैं फिर आपको बात करता हूं। आउटपुट टेस्ट टोटल से रिटर्न लेस करके कितना है सर? 2710 536। जरा मैं वेरीफाई भी कर लूं, दोबारा जरा यार, जरा मैं आपकी बात भी वेरीफाई कर लूं बेटा, जरा 2710536 बिल्कुल ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, लेस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना है मेरा सर टोटल वाला? उधर करो मैं देख मशीनरी वाला नहीं जी सर, वो निकाल के बताता हूँ। आप ये फिगर बोलते जाओ ना, पहले ये फिगर बोल दो, ये देखो जी सर सही होगी, फिर ये फिगर बोल दो जी सर, और लेस लेस ये फिगर कर दो जी सर, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है मशीनरी के बगैर वाला जी सर। चलो जी, यहां मैं इनपुट टैक्स लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि वो इनपुट टैक्स जो कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेट करता है। कितना नेट आया? नेट 1138667667। ये मेरा आ गया जी सेल्स टैक्स पेएबल। सेल्स टैक्स पेएबल कितना आया देखो, माइनस करो सर 1571 बेटा, रूल एट भी वन यहां तक अप्लाई करना था आपने जी सर। सब लोग सुन लें जी, एट बी वन यहां अप्लाई करना है आपने। अब देखें मैं इसका अगर 10 प्रिंट करता हूं आउटपुट टैक्स का, आउटपुट टैक्स का 10 प्रिंट कितना बनता है सर? 2710571 आउटपुट टैक्स का 10 प्रिंट मेरा बनता है। ये मेरा नॉर्मल सेल टैक्स आया, आउटपुट टैक्स का 10 प्रिंट कितना बनता है? 2710554 विच एवर इज हायर, यही हायर है, तो इसलिए मेरा सेल टैक्स पेबल 8B1 अप्लाई नहीं होगा, नहीं होता बेटा। मशीनरी के बगैर आपने 8B1 देखना है, फिक्स्ड एसेट की परचेज के बगैर आपने 8B1 देखना है। अब यहां पे आप आगे चलेंगे, यहां से आप लेस करेंगे इनपुट टैक्स और मशीनरी, मशीनरी के ऊपर याद रखिएगा, मशीनरी के ऊपर आपका रूल 8B1 अप्लाई नहीं होता। मशीनरी का इनपुट कितना है इब्राहिम? 341 453 453। अब नेट पेएबल कितना आया सर? 123 0416 और फर्दर टैक्स अब यहां पे फिर ऐड करेंगे, एट द रेट ऑफ 3% कितना आया जी सर? 241 205 ले जी। अब कोई सवाल है बोले जी। अब मुनीब जी, मुनीब मुनीब अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। मुनीब हम अनम्यूट कर रहे हैं जी। हम बोलो, अब बोलो। सॉरी सर, वो गलती से रेजेंट हो गया। अच्छा, गलती से रेजेंट हो गया। मैं तो खुशी, मुझे खुशी थी कि सवाल आया है। कोई आप समझ आ गई? अब मैं इसको ना, मैं अपने तौर पे सवाल को चेंज करने लगा हूं। किसी का कोई सवाल तो बोल ले जी, मैं अपने तौर पे सवाल को थोड़ा चेंज करने लगा हूं आपको समझाने के लिए। एनी पर्सन जी, एनी पर्सन
एनी पर्सन यहां पे रूल 8B1 की एप्लीकेशन नहीं हो रही। वैसे भी 8B1 आपने फिक्स एसेट के बगैर देखना है। कोई मुझे बताएगा, आप में इसको आपको मैं शेयर करता हूं, कोई मुझे बताएगा कि अगर यहां पे मशीनरी का इनपुट टैक्स, अगर यहां पे मशीनरी का इनपुट टैक्स 16 लाख होता एक जीरो ज्यादा हो गया, अगर यहां पे मशीनरी का टैक्स 16 लाख होता तो देन सिचुएशन क्या होती? रिफंड आ जाता एनी अदर पर्सन। और पेबल कितना होता? एनी अदर पर्सन जी, अगर मशीनरी का इनपुट टैक्स 16 लाख होता तो यहां क्या सूरत हाल होनी थी? एनी पर्सन। यार मुझे लगता है आपको सेल्टा से सवाल समझ नहीं आ रहे हैं, या बहुत समझ आ रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। कोई रेजा एंड नहीं करता एनी बॉडी। यार आंसर करो ना, अगर 16 लाख इनपुट होता तो कोई आंसर करे। रिफंड आ जाता। ठहर जो जी, जी शाहजम इब्राहिम आप ठहरो जरा बेटा। जी शाहजम जी सर, रिफंड आ जाना था। कितना सर? मतलब जो उसके ऊपर एडिशनल पे किया सर वो कितना? बोलो ना पुत्र, अमाउंट बोलो ना सर। कैलकुलेट कर लेता हूं। करो कैलकुलेट। शाबाश। सर 28,131। एक सेकंड मिला जी सर। जी आफत ठीक। जी आफत शाहजम कितना आया? 28,131। 28,131। अच्छा हाफत ठीक। 28,131 ही आया बेटा। यहाँ पे ना 28,131 आना था कैरी फॉरवर्ड, रिफंड नहीं पुत्र, कैरी फॉरवर्ड। और ये पेबल ही देना था, ये जमा करवाने पर था सूरत में। 3% फर्दर टैक्स जमा कराने में कोई माफी नहीं है, जो मर्जी आपके रिफंड आते रहे। सरकार कहती है कि 3% जमा कराने कराना। समझ आ गई बात की नहीं आ गई? जी सर आ गई। यस सर। चले जी, अब इस क्वेश्चन में कोई बेटा कोई आपको बात समझ ना आई हो, इस क्वेश्चन में कोई बात समझ ना आई हो, एनी बॉडी जी, एनी बॉडी समरा जी, समरा सर आपने ये जो लास्ट ये 16,000 वाला कराया दोबारा बता रहे हैं, इसकी समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि अगर मशीनरी का इनपुट टैक्स 16 लाख होता है, मेरा ये पेबल कितना है बोलो? ये है 24,1205। और पुत्र है ये वाला, ये पूछ रहा हूँ, ये 1571। ये जान टिक किया मैंने रूल 8B1 यहां तक अप्लाई होना है, मशीनरी के ऊपर रूल 8B1 अप्लाई नहीं होना। Okay, समय लगी जी सर। अब यहां तक मेरा रूल 8B1 नहीं आ रहा, मेरा नॉर्मल सेल्टेस पेबल है। अब अगर मशीनरी का 16 लाख है तो डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाना, और कोई मेरा पेबल नहीं आना, लेकिन मुझे 3% जमा करवाना। ओके सर। सबर आपके ना थोड़ा सा कोशिश किया करें, थोड़ी सी आप आइसोलेट होकर बैठा करें, कहीं पे आपके पीछे शोर बहुत होता है इसलिए आपको बात थोड़ी समझ नहीं आती है। कोशिश करें कहीं जी आगे चले जी।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब उधर आ जाए दोबारा, क्वेश्चंस भी आ जाए। रेज हैंड कौन है जी? हाफिज तीक, समरा से बात हो गई जी। हाफिज तीक सर, अगर इसके अंदर 8B1 अगर अप्लाई हुआ होता तो फिर भी यही सिचुएशन होनी थी? फिर डिफरेंट हो, फिर बहुत डिफरेंट हो जानी थी। हौसला करो, आगे सवाल आते हैं बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। ओके सर, फिर बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो जानी थी, मैं बताता हूँ आपको, हौसला करें। लैप्रोस्कोप एसोसिएट्स हैज रजिस्टर्ड पर्सनल सेलेक्टेड सेक्ट इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल एग्जेम्प्ट कंज्यूमर गुड्स। जैसे आपको पता टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब पोर्शनमेंट होनी है। द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ लैप्रोस्कोप एसोसिएट्स फॉर द मंथ ऑफ फेब 2020 इंक्लूड द फॉलोइंग। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू नाइजीरिया, ठीक है जी। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके। ट्रेड डिस्काउंट का तभी हमने दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जो कंडीशन है वो पढ़ लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का कंडीशन क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी रेज द हैंड, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? एनीबॉडी? यार इतनी जी, इब्राहिम तुम्हारी बारी नहीं है जी, किसी और की बारी है, वरना मैं तुम्हें केरे को क्लास पढ़ाऊंगा। उमर जी, उमर लो हैंड ऑन। ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशन क्या है जी उमर? हाँ जी उमर। सर साहब वास्सलाम सर, एक तो बिजनेस नॉर्म तो और दूसरा कंफर्मेटरी हो। हाँ जी, बिजनेस नॉर्म हो, कंफर्मेटरी हो और इनवाइस के ऊपर लिखा हो, ठीक है। बिजनेस नॉर्म्स एंड कंफर्मेटरी एक ही बात है, ठीक है, और क्या किया हो, और इनवाइस के ऊपर शो किया हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी आगे चलें जी। सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स है, ठीक है जी, पोर्शमेंट होनी है। परचेज फॉर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फॉर लोकल परचेज, ये देखें उसने इंग्लिश की मार मारी हुई है, जरा जेन में रहिए। पर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकल टैक्सेबल सप्लाई, कहता है ये जो रॉ मटेरियल खरीदा ये सिर्फ लोकल सेल के लिए यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए सेल नहीं हो रहा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये आपका एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है ये वाला। द चीफ कोर्ट इनफॉर्म्ड दैट इनपुट टैक्स मॉनिटर पीस दिस हैड इनएडवर्टेंट नॉट बीन डेटेड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020। तो ठीक है, इनपुट टैक्स ले लेंगे बेटा, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। ऑल पेमेंट्स आर इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, 17/117 करेंगे। दूसरी जो है सेल वाली एक्सक्लूसिव है जी, ठीक है। अब उसे खुद बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना वो इनवाइस के ऊपर भी दिया हुआ है और नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस भी है। अब सॉल्यूशन भी आ जाइए। इब्राहिम इब्राहिम कहाँ हो आप? चलो इब्राहिम ऑन करो। हाँ जी इब्राहिम आ गया जी सर। अच्छा जी, जी सर आ गया। अच्छा पहले हम आउटपुट टैक्स देख लें जी। आउटपुट टैक्स में देखें यही है सेल की फिगर जी सर, यही 6296000 × 17%, ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया। फिर अनरजिस्टर्ड को यही फिगर है जी सर। लो जी ये आ गया जी। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जीरो रेटेड है, ठीक है जी। ये आपका आ गया। इनपुट टैक्स भी आ जाए जी। अब आप इनपुट टैक्स यही फिगर है 10127800 जी सर, यही है जी। वो 17/1/7 आ गया, ठीक है जी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, बोथ टैक्सेबल एंड
एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज उसका भी 17/117 आ गया जी। इनपुट टैक्स हमारा रह गया था पिछले महीने, वो हमने इस महीने क्लेम कर लिया, ठीक है जी। ये टोटल आ गया और इसकी जो है ना इन एडमिसिबिलिटी, वो नीचे नोट पे आ जाइए जी, नोट आ जाए या की होगी इसने कहीं। अब आप टोटल सेल की फिगर देखनी, पहले टोटल सेल की फिगर भी कैलकुलेट करना जरूरी है ना पोर्शनमेंट के लिए। जी सर। कि नहीं जरूरी है? जरूरी। अच्छा, इसने सवाल थोड़ा सौखा करके किया हुआ है, आप थोड़ा सा सवाल आसान करके कर सकते हैं। अब मैं आसान करके सवाल कर दूं, ये देख लो टेक्स किसका, ये देखो जरा ऊपर सही उसका जो उसको किया है मतलब। इसने ठहर जैसे इसने थोड़ी सी ना बोथ टैक्सेबल, इसने छोटी सी आग ऊपर नीचे है सही। ये परचेज, परचेज जो पोर्शन होनी है इनपुट मुझे पता है परचेज पोर्शन होनी है वो सही ना, वो भी है 573205। ठीक है, मैं इसको आप इसको थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ आपको, सवाल क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर देता हूँ जी मैं आपको। अब सिर्फ एक अपॉर्चुनमेंट होनी है, बाकी दूसरी अपॉर्चुनमेंट जी सर नहीं होनी क्योंकि एक जो है वो सारी की सारी लोकल है, वो सारे का सारा इनपुट क्लेम हो जाना है, और दूसरा जो है वो आपका इनपुट क्लेम वो उसकी सिर्फ उसकी अपॉर्चुनमेंट होनी है सिर्फ। उस पर सवाल आइएगा यार साथ, इसकी अपॉर्चुनमेंट देखें वही फिक्र लोकल टैक्सेबल सप्लाईज मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था, इसकी अपॉर्चुनमेंट नहीं होनी। अब जो इसकी है ना इसकी अपॉर्चुनमेंट होनी है सिर्फ। और हमारी सेल कितनी है, ये मेरी लोकल सेल है और ये स्पोर्ट है, ये भी ये मेरी नेट लोकल सेल है और ये मेरी एग्जेम्प्ट है। हम इसको एक प्लेन पेज कर दें, मैं कैसे मैं इसकी सिर्फ वर्किंग कर देता हूं आपको। लोकल सेल बोलो, रजिस्टर्ड प्लस अनरजिस्टर्ड कितनी टोटल, नॉन रजिस्टर्ड कर दूं या अनरजिस्टर्ड कर दूं, बोलो इब्राहिम कितनी है सर? 13934 13934 500। एक्सपोर्ट कितनी है सर? इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1317050 अच्छा एक्सपोर्ट सेल्स सर एक्सपोर्ट 5790 5790000 और एग्जेम्प्ट सो एग्जेम्प्ट 2364 000000 जी सर। एक्सपोर्ट सिर्फ 579000 है डबल बाई जी सर एक्सपोर्ट जी सर टोटल सेल कितनी बन गई 5790000 एक्सपोर्ट अच्छा 5790000 है ना जी हाँ जी। अब बोलो अब टोटल सेल कितनी बन गई सर? 21 324 324 650 650 सेल टैली है देखो पीछे से, सेल की फिगर सॉल्यूशन में देखो टैली है। मुझे लगता है कॉस्टिंग कहीं गलत की है, उधर आओ यार जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे
देखो इब्राहिम टेल यू सेल नीचे 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 यही है। ठीक है टली है। इब्राहिम बोलते क्यों नहीं हो इब्राहिम? चलो सोल्यूशन उधर अपने अपने सोल्यूशन पे आओ। अच्छा जी अब हमारा इब्राहिम किधर गए हो आप? देखो कहाँ गया इब्राहिम, गायब हो गया। इब्राहिम का कनेक्शन ही मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। चलें एनी अदर पर्सन? इब्राहिम का मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। मुनीब, मुनीब को अनम्यूट कर दो। मुनीब अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मुनीब अपने आप को अनम्यूट करो। मुनीब जाग रहे हो? जी सर जाग रहे। कोई सारे सो रहे हैं यार। और सेल समझ आ गई, सेल हमने लिख ली। अब मेरा इनपुट टेस्ट कितना है? क्वेश्चन पे आइए दोबारा, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे बेटा। ये देखो इसका सारे का सारा आपको इनपुट अलाउ हो जाना है, क्योंकि सारे का सारा आपके लोकल टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट है। सिर्फ ये जो परचेज है ना, ये जो परचेज है, ये हर मटेरियल के यूज हो रही है, इसका जो इनपुट टैक्स है ना वो हमें अपोर्शन करना है। अब उधर आए, इसका कितना बनता है? 3945000 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइड बाय 177 कितना है मुनीब बोलो? जी सर कितना है बोलो? 573205 सिर्फ इसलिए पोर्शन होना है बस। अब इसको पोर्शन करो। चलो मुनीब। जी सर कर रहा हूं। आप ये वर्किंग आपने बना लेनी है तो आपको बड़ी आसानी होगी। किताब वाले ने बड़ा मुश्किल किया हुआ है बेटा। सर जी लोकल सेल की है 3540 4026। अच्छा जी एक्सपोर्ट की? जी सर वो कर रहा हूं। 579 उमेर आपकी 1556 34 नहीं पुत्र नहीं 634 634। और एग्जाम्ड की? आप तुम ही बैठ के कर दो, तुम ही ना। कितनी है ग्रंट की? 1446 000 ये कैसे जीरो एक और आ सकता है? 573 में कैसे जीरो एक और आ सकता है? कितनी आती मुनीब? मैं सवाल लेता हूं बेटा आप लोगों के। यार कोई हाल नहीं लग कसम से। लुकमान सादी सर। हाँ जी लुकमान सर। 6 सर ये 6 3 5 4 है। कौन सी?
सर एग्जाम्ड 146 आगे क्या है? और यार क्या आती है फिगर? आंसर दिया नहीं और अनम्यूट कर दिया अपने आप को। सर 6354 है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जाम की 6354 और सर ऊपर 1555 है। क्या कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इससे कोई इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर क्या क्वेश्चन आपका बेटा? सर यही मैंने बताना था ये फिगर। ठीक है, अच्छा ये आपका रिफंड आ गया, ये आपका लोकल सेल के अगेंस्ट क्लेम हो जाएगा। वो किताब वाला बड़ा मुश्किल करके सवाल करता है, हम इसको बड़ा आसान करके सवाल कर रहे हैं। अब आपका आउटपुट टैक्स कितना है टोटल, बोलो जल्दी बोलो क्या आउटपुट टैक्स है आपका? बोलो भाई इब्राहिम, आउटपुट टैक्स टोटल कितना है? सर 22390। ये तो ये इस पे तो हमारा इख्तलाफ ही करेंगे ना किताब के साथ। नो सर। आउटपुट टैक्स कितना है? सर 20। 20 किताब वाला बताऊं सर? और यार जो आप किताब वाला हमें आता है, यार 17% करना हमें याद है, हम नहीं आता। सही, सही, सही। आंसर देख के बहुत हमने साइंस पढ़ लेनी है, कंसेप्ट बनाने हमने। सबर करो यार मुझे। 22390010 यही है जी? जी सर। सॉल्यूशन भी देख लो जरा, एक मिनट इतना ही है, मैं देख लो जरा, मैं आपको आसान करके सवाल समझा रहा हूँ थोड़ा सा। आउटपुट टैक्स हाँ 22390010 ठीक है तो नहीं है, ठीक है। लेस इनपुट टैक्स, हाँ जी इनपुट टैक्स रॉमली का कितना है? जो डायरेक्ट डायरेक्ट था वो कितना है? 354026 और दूसरा जो जो सारी कंप्लीटली यूज्ड है, जो 100% यूज हो रहा है, उसका इनपुट टैक्स कितना है? सवाल पे आओ, एक सवाल पे, ये वाला किधर गया? ये वाला, ये इसका 17/117 1471 चलो इसी पे हो 1471561 और वो हमारा एक वो रह गया था, इनपुट रह गया था ना हमारा? जी सर 185700 जी। अब देखो नेट पेबल क्या आया, माइनस 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 कर दो, सर 227723 और इसका 10% कितना बनता है आउटपुट का? कम बनता है ना सर, वो 22301 बनता है। हाँ तो ठीक है ना, 8B1 नहीं अप्लाई हुआ ना, तो यही पेबल आया और इसके अंदर जो है वो 83% ऐड कर देंगे। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन जी? मुनीब जी, मुनीब सर ये जो आपने 100% वाला किया, ये कहां से किया? जो 147561 बेटा क्वेश्चन पे आओ जरा, मैं समझा क्वेश्चन पे आओ। ये देखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकल टैक्सेबल सप्लाई,
लफज देखो, समझ आई कि नहीं आई? जी सर। यानी कि ये वाला रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट रिजेंट के लिए यूज नहीं हो रहा, लोकल के लिए यूज हो रहा। हाँ जी, तो इसलिए 100% इसका इनपुट मिलना है ना, इसने पोर्शन ही होना। अब पोर्शन सिर्फ इसने होना था, बस वो हमने कर दिया। समझ आई? जी सर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77। अच्छा रेज कौन आंसर? जी अली हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सर। कल वाले क्वेश्चन में एक सवाल पूछना सर। जी बेटा बोलो सर। उसमें 2 लाख के उसने गुड्स पर्सनली यूज किए हैं, तो सर आपने उस पे इनपुट टैक्स क्लेम किया सर? इनपुट टैक्स नहीं मैंने क्लेम किया, मैंने तो उसे सेल टैक्स चार्ज कर दिया। ठीक है सर। उधर इनपुट टैक्स क्लेम मैंने किया, मैंने सेल टैक्स चार्ज किया। और सर पूछना था, जब डिस्काउंट देंगे सेल टैक्स ग्रॉस अमाउंट पे लेंगे या सर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आई? सर आवाज आ रही है? जी अली सर बोलो। बेटा वो तो क्योंकि सेल टैक्स मैंने चार्ज किया है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ और सर एक और क्वेश्चन था, अगर हम जब डिस्काउंट पे सेल करते हैं सर, सेल टैक्स ग्रॉस अमाउंट पे लेना है या डिस्काउंट के बाद जो कीमत बची है? अगर तो इनवाइस के ऊपर लिखा हो तो फिर नेट अमाउंट पे लेना है। इन कंफर्मेटरी है तो नेट अमाउंट पे लेना है, अगर इनवाइस के ऊपर नहीं लिखा तो फिर ग्रॉस अमाउंट के ऊपर लेना। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। ये आपका होमवर्क है जी, आगे चलें। आगे आगे ये मैं करवाऊंगा जी, नहीं कमयाब ये वाला थोड़ा सा आगे टेक्निकल स्टार्ट हो गया, ये आगे मैं करवाऊंगा। एक सवाल आपका बेटा होमवर्क है जी। थैंक यू वेरी मच जी, ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।